नमस्कार, मैं चंद प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट कॉमन सेंस की क्लास में। वे सभी लोग जो यूपीपीएससी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा देने जा रहे हैं, उनको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। आप अगर उन टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम जो है वो पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि आपने साल भर मेहनत की है या पिछले 3-4 महीने में काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी आप लोगों ने, लेकिन सिर्फ एक दिन की गलती या पेपर हॉल के अंदर 2 घंटे की गलती आपको 1 साल इंतज़ार और करवा सकती है। इसलिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ उन पर ज़रूर फोकस कीजिए और अपने एटीट्यूड को पेपर से एक दिन पहले उसी अनुसार ढालने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखें, अब आपकी जो जीत है या आपकी जो प्रीलिम्स में जो सक्सेस है वो आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करती है, वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रख लेनी है कि आप अगले 2 दिन तक हाइपर नहीं होंगे। किसी भी कंडीशन में आप हाइपर नहीं होंगे। जैसे ही आप अपने घर से बाहर सेंटर की तरफ 1 दिन पहले निकलेंगे तो आप बिल्कुल हाइपर नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़, आप 1 दिन पहले सेंटर के लिए निकलेंगे, अगर आपका सेंटर किसी अन्य शहर में पड़ा है तो आप सफ़र करेंगे। तो ध्यान रखें, बस से सफ़र करते हुए या अन्य किसी साधन से सफ़र करते हुए, ट्रेन से सफ़र करते हुए ध्यान रखें किसी भी सहयात्री से बिल्कुल भी उलझे नहीं। अगर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो आप कंप्रोमाइज़ करें, अपने दिमाग को इरिटेट बिल्कुल नहीं करें। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत अवस्था में आपको रखना है। इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि आप 1 दिन पहले या शाम तक, 23 तारीख की शाम तक एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर आप रात भर सफ़र करेंगे और सुबह एग्ज़ाम देंगे तो आप भरपूर नींद नहीं ले पाएंगे और ये समस्या एक बड़ी समस्या होती है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। कोशिश करें कि आप 8 घंटे की नींद ले सकें। अब ये 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि आपने जिन लोगों को भी पेपर देने के बाद ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अरे यार मेरा ये क्वेश्चन गलती से गलत हो गया, एक्चुअली जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो सिली मिस्टेक्स भरपूर नींद नहीं लेने के कारण होती हैं। इसलिए ध्यान रखें, 8 घंटे की नींद अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं पेपर में 2-3 वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि कट ऑफ में 2-3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि आपको 8 घंटे की नींद लेना ही है। कोशिश करें कि लें, जितना आप 8 घंटे की नींद लेंगे आपकी गलती करने के, पेपर हॉल के अंदर गलती करने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जो अन्य बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप 1/2 घंटा पहले हर हाल में पहुंच जाएं, 1/2 घंटा पहले पूरी कोशिश करें, भले ही आपका सेंटर आपके ही शहर में पड़ा हो तब भी 1/2 घंटा पहले पहुंच जाएं। इसका रीज़न ये है कि अगर आप 1/2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो आप किसी भी तरह की अनावश्यक बेचैनी से बच जाते हैं, और यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपका बीपी नहीं बढ़ता है, आप बिल्कुल शांत स्टेज में बने रहते हैं। तो कोशिश करें 1/2 घंटे पहले पहुंच जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं तो ध्यान रखें, अगर आप 1/2 घंटे पहले पहुंच गए हैं तो किसी भी तरह के ग्रुप का हिस्सा नहीं बने। आप वहाँ पर 4 या 5 लोग बैठे रहते हैं, किसी भी तरह के ग्रुप का हिस्सा आपको नहीं बनना है। आप अलग खड़े रहें या आराम से शांत बने रहें एक जगह पर, किसी की भी अनावश्यक चर्चा का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि कभी कभी आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं जो निगेटिविटी से भरा होता है और वो निगेटिविटी आपके एग्ज़ाम में
आपके माइंड सेट पर उस 2 घंटे पर एक हिडन अटैक करती है, ध्यान रखें। इसलिए आपको किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना है, अपने आप को अकेले रखिए। अगर आपका कोई मित्र मिलता भी है तो आप उसे बस शुभकामना संदेश दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जैसे ही अब आप एग्जाम्स हॉल के अंदर पहुंचते हैं, अब यहाँ से आपकी अगली परीक्षा शुरू होती है जो मुख्य है। एग्जाम हॉल के अंदर जो टीचर्स होते हैं, परीक्षक होते हैं, ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में उनसे उलझे नहीं, क्योंकि अगर आप गलती से उनसे उलझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपका मूड बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बुरी तरह से ख़राब हो जाता है, और उस मूड को फिर कॉमन स्टेज में लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है 2 घंटे के लिए, क्योंकि आपके मन में परीक्षक के प्रति कटुता उत्पन्न हो जाती है या टीचर में आपके प्रति कटुता उत्पन्न हो जाती है। तो ध्यान रखें, आपको ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी है कि आपका टीचर के साथ अनावश्यक विवाद हो जाए। तो पूरी कोशिश करें कि अनावश्यक विवाद नहीं हो, कोई भी परिस्थिति आए तो मुस्कुराते हुए उनसे सहायता लें, तो वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे जल्दी से जल्दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है OMR। यही है जो निर्धारित करेगी कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल शांत रहिए। सबसे पहले OMR में जो जो सामान्य जानकारी होती हैं उनको भरिए, और इन सामान्य जानकारी को बड़े आराम से भरिए। इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अगर सामान्य जानकारी भरते समय आपने गलती से भी गलती कर दी तो ध्यान रखें आपका 2 घंटे तक पूरा दिमाग उसी जगह पर टिका रहेगा कि आपने OMR गलत भर दी, आपकी कॉपी चेक हो, आपकी OMR चेक की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसलिए इस सामान्य जानकारी को जो आपसे रोल नंबर वगैरह मांगा जाता है उसमें, उसको बड़े आराम से भरें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखें। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार आपने ये कर दिया, आपको पेपर मिल जाता है, पेपर आप करना चालू करते हैं, अब आता है OMR को भरना। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। तो OMR भरने के 2 तरीके होते हैं, लोग 2 तरीके का उपयोग करते हैं। कुछ लोग प्रश्न के साथ साथ OMR भरते हैं, जैसे साथ साथ का मतलब कुछ लोगों ने जैसे कि पहला प्रश्न सॉल्व किया तो तुरंत OMR को गोला करेंगे, दूसरा प्रश्न सॉल्व किया तो तुरंत OMR को गोला करेंगे, तीसरा प्रश्न सॉल्व किया तो तीसरे तुरंत गोले को भरेंगे। तो कुछ लोग इस तरह का मेथड अपनाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे अंत में OMR को भरते हैं। अब मैं बता दूं कि जो लोग सबसे अंत में OMR को भरने की जिन लोगों की आदत है, तो उनके लिए मैं विशेष सलाह दूंगा कि आप अपने आप को बिल्कुल अंत समय में बहुत ही शांत स्टेज में रखें। ये एक बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए कि पेपर के 15-20 मिनट पहले आप अपने आप को शांत रखें, और ये आपको करना होगा, किसी भी कंडीशन में करना होगा। आप अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाए, हाइपर हो गए या आपको बेचैनी होने लगी, और फिर जब आप 100-150 गोलों को भरेंगे तो आप उसमें गलतियां करेंगे ही करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आपको लास्ट 15-20 मिनट में बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना। तो आपके लिए मैं एक सुझाव और देता हूँ कि जब भी आप गोला लास्ट में भर रहे हैं ऐसे लोग, तो ध्यान रखें आपको तेज़ी के साथ क्रॉस चेक भी करते जाना है। क्रॉस चेक का मतलब ये है कि जैसे ही आपने 2-3 गोले भरे तो 2-3 गोलों को तुरंत चेक करें कि ये सही भरे हैं या नहीं भरे। 3 गोलों के बाद ऐसा नहीं करें कि 3 गोले एक साथ 10-20 गोले आपने भर लिए उसके बाद आप अपनी सीरीज को चेक कर रहे हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करें। हर 2 या 3 गोले के बाद चेक करते चलें, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो साथ साथ चेक करते चलें, लेकिन ये गलती आपसे किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती हो जाती है तो आप वहीं पर बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आराम से ये गोले आप भर लें। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो लोग अंत में गोले भरते हैं उनके लिए मैं एक सलाह दे सकता हूँ कि ऐसे लोग लगभग 100 प्रश्नों के बाद 100
प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद भी गोला भर सकते हैं, तो इससे आपको बिल्कुल अंत समय पर ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप 100 प्रश्नों तक सॉल्व करने के बाद गोला भरें। एक चीज़ जो मैं जो लोग साथ साथ गोला भरते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग साथ साथ गोला भरते हैं वो 100% जो आंसरों के बारे में वेरीफाई हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, उन्हें साथ साथ भरते चलें, और जिनके बारे में थोड़ा सा भी डाउट है 90% 80% उनको उन्हें लास्ट के लिए थोड़ा छोड़ दें। लास्ट का मतलब लास्ट का जो हाफ आवर होता है, आधा घंटा होता है, ऐसे प्रश्नों को उस समय के लिए छोड़ दें। जो लोग साथ साथ गोला भरते हैं वो आराम से गोला भरें, आपको बहुत हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो आंसर होंगे वो बहुत ही सही जगह पर भरेंगे, इसलिए आप कोई गलती नहीं करेंगे अनावश्यक रूप से। जिस तरह की गलती यहाँ पर होती है आपसे होने के चांसेस कम होंगे अगर आप अपने आप को बिल्कुल शांत स्टेज में रखते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो होती है लक फैक्टर की, कि कभी कभी होता क्या है लोगों के साथ है कि किसी भी व्यक्ति के खाते में या उसको कोई ऐसा सेट मिल जाता है जिसके शुरुआती प्रश्न उस पर नहीं बनते हैं। वो पहले पेज को देखता है, 6 या 8 जो भी क्वेश्चन है पढ़ता है, उस पर एक भी प्रश्न नहीं बनता। वो दूसरे पेज को पलटता है, सभी 8 प्रश्न 9 प्रश्नों को पढ़ता है, मुश्किल से उस पर 1-8 प्रश्न बनता है, और इसी तरह से तीसरे पेज को पढ़ता है तब भी उस पर प्रश्न नहीं बनता। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, वो है ऑल इज वेल। ध्यान रखें, अगर आपको पहले पेज पर एक भी प्रश्न नहीं बनता, बिल्कुल शांत रहिए, 1% भी टेंशन नहीं लीजिए। दूसरे पेज पर भी अगर ऐसा होता है तब भी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। मतलब पहले पेज पर दूसरे पेज पर एक भी प्रश्न अगर आपसे नहीं बने तब तक आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, और साथ साथ अगर तीसरे पेज पर भी ऐसा होता है तब भी आपको बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसे इसलिए कहा कि अगर आप इन प्रश्नों की संख्या जोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 24-25 प्रश्न होंगे, लेकिन आपके जो टोटल प्रश्न हैं वो 150 प्रश्न हैं, तो 24-25 प्रश्न घटा दिए, 125 प्रश्न बचे, तो आपको उस समय पर इतना पॉजिटिव बनाना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ, बाकी के जो 125 प्रश्न हैं वो मेरे खाते के हैं, मेरी जो कठिनाइयाँ हैं वो शुरुआती प्रश्नों पर ही अब सिमट के रह गई, अब बाकी की जो चीज़ें हैं मेरे खाते में रहेंगी, बाकी के प्रश्न, ये आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने आप से कि यस ऑल इज वेल। ऐसा नहीं कि आपको अगर पहले पेज पर ही 3 प्रश्न नहीं बने, बाकी के 5 प्रश्न बने, तो आप वहीं से हाइपर होना चालू कर दें, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना। इसलिए पूरा मैं बता रहा हूँ, आपकी पूरी साल भर की जितनी मेहनत है उस मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है इस 2 घंटे को मैनेज करना। जो व्यक्ति इस 2 घंटे को मैनेज कर लेगा वो मेंस देने के काबिल ज़रूर बनेगा, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। एक चीज़ आपको और पहचाननी पड़ेगी खुद को, कि आप कब बेचैनी की स्थिति में पेपर हॉल के अंदर जाते हैं, इस चीज़ को आपको महसूस तुरंत करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को ध्यान दें कि जब भी आपको लगे कि आपकी आप हाइपर होते जा रहे हैं, पेपर हॉल के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, थोड़ा सा अपनी कलम को बगल से रख दें आप, आधा मिनट के लिए गहरी सांस लें, अपने आप को बिल्कुल कॉमन कर दें, शांत अवस्था में ले आएं, पानी पीना हो आप पानी पीजिए, और फिर आधा मिनट के बाद आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए। इस तरह से अगर आपको पूरे पेपर में अगर 2 या 3 बार भी ब्रेक लेना पड़ा, और कुल मिला के अगर 3 मिनट भी अगर आपकी ऐसे जाया होती हैं, तो यकीन मानिए इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रीलिम्स के पेपर में। आप उस 3 मिनट के पेपर में भी, सॉरी, आप उन 3 मिनट को देने के बाद भी बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं, शांत होने के बाद भी, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल कॉम सही शांत स्टेज में चला जाएगा। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ध्यान रखें, ये प्रीलिम्स के पेपर को निकालने का सबसे ज़रूरी तरीका है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पढ़ाई का रोल जो करना था आपने कर चुका,
आप कर चुके, जितना पढ़ना था वो पढ़ चुके, एक दिन और पढ़ लेंगे, लेकिन अब जो आपको सक्सेस दिलाएगी वो सिर्फ एक ही चीज़ दिलाएगी कि आपको किसी भी कंडीशन में हाइपर नहीं होना, आपको किसी भी कंडीशन में बेचैन नहीं होना, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और यकीन मानिए आप परीक्षा हॉल से जीत कर आएंगे। मेरी इन बातों पर गौर करें, आप आराम से नींद लें। आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम की प्रोजेक्ट कॉमन सेंस की तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से चंद्रप्रकाश शर्मा की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आराम से पेपर दीजिए। थैंक यू।